हाय, अब हमारी सुबह हो चुकी है तो घड़ी में इस समय लगभग 5 बज रहे होंगे। हाँ, तो देखिए घड़ी में 5 बजने वाले हैं। गुड मॉर्निंग। अभी अभी हम सो के उठे हैं। कड़ी तो आप लोगों ने देख ही ली होगी, एकदम से मुंह फूला फूला लग रहा है। अब हम चल रहे हैं, पहले फ्रेश हो लें, मुँह धुल लें, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो अभी 5:15 लगभग बज रहे होंगे, हमने ब्रश वगैरह कर लिया है। अब हम चलते हैं अपना। सबसे पहले दूध गर्म करेंगे, एक तरफ दूध गर्म करेंगे, दूसरी तरफ पानी गर्म करेंगे, जो कि हमारा रोज का नियम है। हम एक गिलास पानी गुनगुना जरूर पीते हैं, साथ में कभी कभी नींबू और शहद भी मिला लेते हैं, ये तो हमारा रोज का है। और 2 गिलास पानी अपने हस्बैंड के लिए हम भी रखते हैं, दो लोग गर्म पानी जरूर पीते हैं। जैसा कि मालूम है आप सबको कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन मतलब बच्चों का स्कूल बंद है, बाकी तो सब खुला हुआ है। तो इस समय हम 5 बजे से 5:30 बजे तक जरूर उठ जाते हैं, उसके बाद यही हमारा रोज का काम है। जैसे ही स्कूल खुलेगा रूटीन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम पानी और दूध गर्म कर लेते हैं। इसमें भी दूध रखा हुआ है, थोड़ा सा बर्तन ले लें। ब्लॉगिंग करना हमारा कोई रूटीन नहीं है, लेकिन किसी बच्चे ने कहा मैम सुबह का अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करिए, तो हमने कहा लाओ बता दें हम क्या करते हैं सुबह। अक्सर सब लोग यही करते होंगे जो हम करते हैं। तो पानी गर्म कर लेते हैं हम। अब हम चलेंगे छत पे, जो कि रोज हम करते हैं। वहां जाने के बाद थोड़ी देर मेडिटेशन करते हैं, तो आइए चलते हैं छत पे। तो अभी हम छत पे आ गए हैं, देखिए कितना अच्छा व्यू है चारों तरफ। सुबह सुबह उठने के बहुत फायदे होते हैं, तो पहले हम इसको खत्म करेंगे, उसके बाद मेडिटेशन करेंगे। बैठ के आराम से पियेंगे, उधर बैठ जाते हैं। अभी हमारा मेडिटेशन हो गया है, अब चलते हैं नीचे और नाश्ते की तैयारी करते हैं। अब हमने लिया है थोड़ा सा पोहा। अब इसको हम पहले धुलेंगे,
ये पनीर भुलेगी दिखाने के लिए हमने यहाँ रखा है। अब इसको धो लेते हैं। तो चलिए हम पोहा बना लेते हैं। पोहा बनाने के लिए हमने पोहे को धुल के रख दिया है, थोड़ी सी प्याज काट ली है और हरी मिर्च को आधा आधा कर लिया है, टमाटर, हरी धनिया, जीरा, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी पाउडर और नमक। तो सबसे पहले मैंने गैस जला दी है इसलिए दिखा नहीं रहे हैं। मूँगफली को हम पहले थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, इसको ऐसे ही हमें भून लेना है थोड़ा सा। मूँगफली भून चुकी है, आप मूँगफली को भून के रख लीजिए, आपको ज़्यादा आसानी रहेगी हमेशा बनाने के लिए। खराब जैसी लग रही है, कुछ लोग राई डालते हैं लेकिन मैं यहाँ जीरा। प्याज, हरी मिर्च, प्याज थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाती है, गोल्डन हल्की हल्की हो जाएगी, तो हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर डालने के बाद तुरंत के तुरंत हम इसमें नमक डालेंगे, नमक स्वाद के हिसाब से। और मसाले भी हम इस पर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, कलर के लिए भी और एंटीऑक्सीडेंट होता है इसमें, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। हल्दी के बाद थोड़ा सा गरम मसाला, अब इसमें हम ये पोहा डालेंगे, चूड़ा है, मोटा वाला चूड़ा जो हम लोग के यहाँ दिवाली में आता है ना, सरस्वती वाला चूड़ा। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब यहीं पर हम मूंगफली डाल देंगे, आप छिलके सहित डालो या छिलके डालो, आपकी मर्जी है। यहाँ पर आलू भुजिया भी डाल सकते हैं। हरी धनिया, तैयार है आपका पोहा एंजॉय करने के लिए। गर्मा गर्म पोहे को चाय के साथ सुबह सुबह नाश्ता बहुत अच्छा लगता है।
ऐसा नहीं है रोज की रोज हम कोई ना कोई डिश बनाया करते हैं, कभी कभी हमारे बच्चे शाम की रखी हुई रोटी गरम कर दो उसको भी खा लेते हैं। तो अभी तो कुछ लोग सो रहे हैं घर में, तो नाश्ता हमारा बन के तैयार है। अब हम चलेंगे, थोड़ा सा झाड़ू पोछा करेंगे। झाड़ू पोछा तो कर लिया है हमने, झाड़ू पोछा तो कर लेते हैं, लेकिन सुबह सुबह अभी ऊपर के कमरे में झाड़ू नहीं लगी है। अब वहाँ जाके पहले झाड़ू लगाएंगे, उसके बाद नहाएंगे, नहाने के बाद फिर खाना बनाएंगे। तो बहुत गर्मी हो रही है, चल के झाड़ू लगाने के बाद नहा के मिलेंगे आपसे। अब हम अपनी किचन की तैयारी करते हैं खाना बनाने की। यही हमारा रोज़ का रूटीन है, नहाने के बाद पूजा करना मेरा रोज़ का नियम नहीं है। हम ईश्वर को जब मेडिटेशन करते हैं तभी याद कर लेते हैं, और मेरी समझ से भगवान का मतलब नेचर होता है, प्रकृति होती है। इससे आगे अगर कोई है तो वो है हमारे माता पिता। भगवान के का नाम, जो भगवान के शब्द की उत्पत्ति जिसके भी द्वारा की गई होगी, बहुत ही सोच समझ के उसने भगवान शब्द को बनाया होगा। मेरी समझ से भगवान शब्द में ही पूरी प्रकृति समाई हुई है। तो भगवान के अतिरिक्त, मतलब प्रकृति के अतिरिक्त अगर कोई भगवान है तो वह हमारे माता पिता। मेरी समझ से भगवान की डिफिनेशन कुछ इस तरह से है, देख लीजिए जरा सा। जैसे कि भगवान, भगवान ऐसे ही लिखा जाएगा। अब भगवान शब्द के वर्णों को हम अलग करेंगे तो वो इस तरह से होगा, भ ग व अ और न। अब इनका हम शब्द बनाएंगे, जो सार्थक शब्द बनाएंगे वो इस तरह से होगा, भा से बनेगी भूमि, गा से बनेगा गगन, वा से बनेगी वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। यही है भगवान। अगर हम इसकी सुरक्षा करेंगे, इसकी देखभाल करेंगे, इसका सदुपयोग करेंगे तो हमारे भगवान जो है हमेशा खुश रहेंगे और हमें हमेशा अच्छी नेमतें देंगे। हमारी समझ से इसी की सेवा करनी चाहिए, इसी की रक्षा करनी चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, वही भगवान की पूजा होती है। तो इसी वजह से हम सुबह सुबह केवल प्रकृति को याद करते हैं, उसी को स्मरण करते हैं। और ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, आप सब बहुत जानते हैं, लेकिन भगवान अगर आप मानते हैं तो इन्हीं को मानना चाहिए। भगवान यही है, इससे इसके अतिरिक्त कोई भगवान नहीं है। प्रकृति कुछ भी कर सकती है, प्रकृति ही बनाती है और प्रकृति ही बिगाड़ती है। तो हम भी चलते हैं अपने किचन में और खाना बना लेते हैं। तो 10 बजे तक हमारा सारा काम हो चुका है, खाना
दिव्यांशी के पापा खाना खा चुके हैं क्योंकि उनको कहीं जाना था, उस वजह से वो खाना पहले खा लिए हैं। हम बना रहे थे तभी खा चुके हैं। तो आज हमारे यहाँ बनी है दाल, अरहर की दाल, अरहर की दाल और कद्दू की सब्जी, और ये साग की सब्जी रखी है। किस चीज़ की है? कुंदरू की सब्जी। हाँ, कुंदरू की सब्जी, चटनी, धनिया पुदीना की चटनी है, रोटी है और थोड़ा सा दही है। अब हम लोग खाना खाएंगे। तो जिसने भी कहा था मॉर्निंग रूटीन शेयर करने के लिए, आई होप उसकी ये विश, उसकी फरमाइश पूरी हो गई होगी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके हम हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए और हमारे परिवार को और बड़ा कीजिए। तो अब हम लोग खाना खाते हैं। हाँ, चावल भी बनाए चावल भी बनाए जो कि हमने प्लेट में पहले से निकाल दिया है। तो अब हम लोग खाएंगे। सारा खाना नहीं परोसा इसलिए क्योंकि कोई सब्जी खाता है, कोई दाल खाता है, इस वजह से प्लेटिंग नहीं की है हमने। तो जिसका जो मन करेगा खाएगा। तो मिलते हैं फिर आप सब से अपने अगले वीडियो में, अगले किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, क्योंकि हमारा कुकिंग का चैनल है ये। तो हमने किसी बच्चे के कहने पर ये रूटीन शेयर किया है और आई होप किसी को मेरी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा होगा, क्योंकि इसमें जो कुछ भी मैंने किया और कहा है वो मेरी अपनी सोच है, अपनी समझ है। हम किसी पर अपने विचार थोपना नहीं चाहते हैं, ये हमारे विचार हैं। इसलिए इसको माइंड मत कीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं, बाय बाय।